नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूँ उर्वशी सिंह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण में भी 80% मुखिया की चली गई कुर्सी। मुंगेर में हुए पंचायत चुनाव में सास पर भारी पड़ी बहू की किस्मत। पूर्णिया जिला पार्षद के पति की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जिला पार्षद के पति की हत्या के मामले में तेजस्वी ने पुलिस को बताया जेडीयू कार्यकर्ता। चिराग पासवान ने भी शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार को बनाया निशाना। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी बिहार सरकार पर किया हमला, विपक्ष को बताया भगौरा। रोहतास में अपराधियों ने की मुखिया प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर में जाम के साथ लगे ठुमके, वीडियो हो रहा वायरल। और इलाहाबाद बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई ने मुजफ्फरपुर से पंकज को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण की आज काउंटिंग कराई जा रही है। छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों की 848 पंचायतों में चुनाव कराए गए थे। दीपावली और छठ पूजा की वजह से मतदान के 10 दिन बाद काउंटिंग कराई गई। रात तक की गिनती में सभी मुखिया पदों की काउंटिंग हो चुकी है। कुछ वार्ड सदस्यों व पंचों की काउंटिंग जारी है जो कल दोपहर तक चलने की उम्मीद है। मतगणना केंद्रों के अनुसार इस बार भी लगभग 80% मुखिया की कुर्सी चली गई है। काउंटिंग के दौरान हाजीपुर में मतगणना केंद्र पर खाना नहीं मिलने की वजह से मजदूरों ने हंगामा किया था, जबकि लखीसराय में जीत हार को लेकर बवाल हुआ। पुलिस उपद्रव को शांत कराने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पंचायत चुनाव के छठे चरण की काउंटिंग में मुंगेर से रोचक खबरें सामने आ रही है। धरहरा प्रखंड में हुए चुनाव में एक बहू की किस्मत सास पर भारी पड़ी। बहू ने लॉटरी से सास को पटकनी दे दी और वार्ड पर कब्जा जमा लिया। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार बहाचौकी वार्ड नंबर 4 के वार्ड सदस्य के पद के लिए सिर्फ दो महिला प्रत्याशी ही मैदान में थी। दोनों में एक सास और दूसरी बहू थी। वहां के वोटरों ने दोनों को बराबर बराबर वोट दिए। दोनों को 144-144 वोट मिले। तब निर्वाचन आयोग ने लॉटरी के माध्यम से पर्चा निकाला। मजदूर को बुलाकर पर्चा निकलवाया गया। इसमें बहू सुनीता देवी की किस्मत भारी पड़ गई। सुनीता देवी के नाम से पर्चा निकला, इस तरह सास तारा देवी हार गई। पूर्णिया में जिला पार्षद अनुलिका सिंह के पति विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की अपराधियों ने कल शाम हत्या कर दी। अब इसे लेकर उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि एक लड़के ने विश्वजीत सिंह को गोली मारी है। इतना ही नहीं, एक गोली लगने के बाद लड़का दोबारा गोली मारता है ताकि उसके बचने की जरा सी भी गुंजाइश ना रहे। वीडियो में दिखता है कि एक कम उम्र का युवक बंदूक लिए दुकान के फुटपाथ की तरफ तेजी से दौड़ कर आता है और वहां खड़े रिंटू पर फायर करता है। पहली गोली मारते ही युवक भागने लगता है, लेकिन वो अचानक वापस लौटता है। इसके बाद फुटपाथ पर गिरे विश्वजीत सिंह को दोबारा गोली मारता है। इसके बाद अपने साथी की बाइक पर बैठकर अपराधी फरार हो जाता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल शुरू कर दी है। पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद की हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया के पूर्व जिला पार्षद विश्वजीत सिंह ने हत्या से पहले अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत की थी। तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस को जेडीयू कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि विश्वजीत सिंह ने लिखित शिकायत में कहा था कि मंत्री लेसी सिंह का भतीजा उनकी हत्या करवा सकता है, लेकिन जेडीयू पुलिस अपना कार्यकर्ता वाला फर्ज निभाने में तत्पर रही और उसकी हत्या हो गई। उन्होंने सवाल दागते हुए तंज कसा है कि बिहार से अच्छा कानून का राज कहीं होगा क्या। जमुई सांसद चिराग पासवान ने शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेकर कहा कि उनकी शराब माफिया से मिलीभगत है तथा बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है। उन्होंने कहा कि सूबे में हर जगह शराब की बिक्री हो रही है, होम डिलीवरी कराई जा रही है, इसी वजह से लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है। सरकार शराब माफियाओं से मिली हुई है। लोग शराब इसलिए पी रहे हैं कि यहाँ खुलेआम बिक रही है। अधिकारी जो कहते हैं मुख्यमंत्री वही करते हैं। जहरीली शराब कांड को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी निशाना साधा है। उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के नेताओं पर भी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला किया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि शराब तस्करों में सत्ता और विपक्ष के लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोगों की उन्होंने आज लिस्ट भी जारी की है। उन्होंने कहा कि जेडीयू, बीजेपी, एनडीए और विपक्ष हम सब का नाम हर जिला वाइज देंगे। ये लिस्ट हम सरकार को भी भेजेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष से कहीं ज्यादा विपक्ष के लोग इस धंधे में शामिल है।
बिहार का विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं उतरता है, सिर्फ ट्विटर पर ही क्यों सक्रिय रहता है, इसका चरित्र भगोरा है। रोहतास में मुखिया प्रत्याशी के पति को अपराधियों ने सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया, घर के पास ही उसकी मौत हो गई। घटना शिवसागर थाना क्षेत्र के कैथी गांव की है। मृतक की पहचान कल्लो खान के रूप में हुई है। कल्लो खान की पत्नी रानी खातून इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया पद की प्रत्याशी है। आज सुबह कल्लू खान चुनाव प्रचार के लिए अपनी पत्नी संग बाइक से निकले, तभी तीन की संख्या में रहे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। इससे कल्लू खान की मौके पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े हुए इस घटना से गांव के लोग दहशत में हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में एक तरफ जहां कई लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है, इसके बावजूद पुलिस की नाक के नीचे शराब का खेल जारी है। दरअसल मनियारी थाना क्षेत्र में स्टेज शो के दौरान जमकर बार बालाओं ने ठुमके लगाए, इस दौरान शराब भी छलकती रही, तेजी से इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ साफ देख सकते कि किस तरीके से जाम छलक रहा है। खास बात कि इस दौरान मारपीट भी हुई है। इस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने कार्रवाई की बात कही है, लेकिन इस पूरे मामले ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गोवा में हुए बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई की टीम ने मुजफ्फरपुर से पंकज नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोवा के पोंडा स्थित मडगांव इलाहाबाद बैंक में 1,45,00,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था। इस मामले में फैक्ट्री संचालक पंकज कुमार को मुजफ्फरपुर में कच्ची पक्की इलाके से दबोचा गया है। नगर और सदर थाने की पुलिस के सहयोग गोवा सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। पंकज को ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाया जाएगा। आरोपी मूल रूप से मुंगेर जिला के तारापुर का रहने वाला है। वर्तमान में वो मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की चौक स्थित साहू मार्केट के समीप रहता था। पंकज के खिलाफ 2018 में गोवा सीबीआई के एसपी अशोक कुमार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। वह गोवा में मेगंगा एंटरप्राइजेस नामक कंपनी चलाता था। सीबीआई के रिकॉर्ड के अनुसार 1,45,00,000 रुपए के फ्रॉड के बाद से वह फरार चल रहा था। इसी के साथ बस इतना ही, बने रहे लाइव सिटीज के साथ।